बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ, उठ के मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके बैठा हूँ। और आज के एक दो काम हैं हमारे, देखें कब करते हैं, क्योंकि कल मैंने वो जो बाहर के डोर का जो मैंने हैंडल लाया था वो नहीं लगाया मैंने, तो वो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। क्यों, कल वही मशीन के पाइप के चक्कर में पड़ा रहा हूँ तो लगा ही नहीं। खैर, तो फ़िलहाल आज तो वो काम ख़त्म करेंगे पहले, और उसके बाद फिर मशीन देखने जाना है। कोई मशीन देखेंगे जाके मार्केट वगैरह से, अगर कोई पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। जी, अब जाने लगा मैं दोस्त को लेने के लिए। उसको ला के पहले तो दरवाजे का लॉक लगाएंगे, लॉक लगाने के बाद फिर उसके बाद फिर जिले मशीन जो है ना, फिलहाल एक दफ़ा किसी दुकान वाले को देख के, प्रोफेशनल बंदे हैं उनको देख के चेक करवा लेते हैं। अगर तो ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होती तो फिर इंशाल्लाह जो है ना कोई नई मशीन देखेंगे और नई मशीन लेके आएंगे। बाकी खैर, कहते हैं घर की लाइटें वगैरह बंद और अब जाने लगे हैं जी हम। सबसे पहले तो दोस्त को उठाएंगे, उसको ला के फिर साथ में उधर से देखेंगे मशीन वाली दुकान कौन सी खुली हुई है, तो उनसे जाके फिर बोलेंगे भाई मेहरबानी करके हमारा जो मशीन का दिवाला निकला हो वो दिवाला पूरा कर दें प्लीज़। अगर तो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे साड़ी किस्मत, लेकिन उम्मीद है कर लेंगे वो लोग। घर वाले गए हुए थे बाहर मार्केट, तो इसमें लॉक लगा के गए हुए थे, लॉक लगा लेंगे। ये जो है ना, ये घर का डोर ये टूटा हुआ है, ये लगाना है, ख़राब हो गया। असल में मारते हैं दरवाज़ा हम लोग रख रख के, जब भी घर पे आना आराम से बंद करना ही नहीं, वो दरवाज़ा रख रख के मारते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से मार के उसके सत्यानाश हो गए। देखो चले चल रहे हैं हम घर से निकल के गाड़ी की तरफ, माशाल्लाह बादल आए हैं, सूरज छुपा हुआ है बादलों में, कितना प्यारा मौसम हुआ है, क्या बात है जी माशाल्लाह। बारे में भी बादल आ गए हैं, अल्लाह करे इस बार बारिशें अच्छी हों, क्योंकि बारिशें होंगी तो मौसम ठंडा रहेगा। और जी वो खड़ी है हमारी गाड़ी, अब साइड से जाके गाड़ी को खोलना होगा, जो को मोटे आदमी के लिए बहुत ही औखा काम है। अरे लोग कैसे कैसे यार, पार्किंग की बहुत झंझट है यार। घर ने खोली अपनी गाड़ी, गाड़ी वाला भी गाड़ी साफ कर गया। वो ये देखें, जब गाड़ी साफ करके जाता है ना तो ये निशानी हो जाती है जी, गाड़ी साफ हो चुकी हुई है आपकी। आगे तो हो नहीं सकते, जो ऐसे इसको नीचे गिरा लेंगे। आई वो है ना फिर जो गाड़ी का, हाँ हाँ गाड़ी हो रही है जी जब तक गर्म, तो तब तक मैंने पानी चेक किया गाड़ी का, तो पानी लेवल तो ओके है गाड़ी का, क्योंकि अभी ज़रूरी होता है साथ साथ में गाड़ी का पानी चेक करना, इंजन ऑयल चेक करना। इंजन ऑयल तो इसका भी चेंज करवाना है आज, देखता हूँ दोपहर को या शाम को ना जाके इंजन ऑयल भी उसका चेंज करवाता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है चेंज करवाना। तो खैर चलते हैं निकल के। Oh,
ये हमारे व्हाट्सएप आ गए हुए हैं, काला जोड़ा पा के खलोते हैं। चेक करें इनको, ये देखें जी। अच्छा, मेरे वालू वेख के अगे नहीं कदी नजर झुकाई है, आज नजर झुकाई है। खैर है, एनी रिस्पेक्ट है या कैमरे की रिस्पेक्ट है? कैमरे दी, कैमरे दी। कैमरे की रिस्पेक्ट है, साड़ी कोई रिस्पेक्ट नहीं जी। ए फिर ज्यादती है ना, एफ आई आर ही तो ना ना हुई, जी आवाज आ रही हुई। हाँ जी, लो जी चेक कर लो, आवाज आ रही है, आ रही नहीं है। ए जी, हम आ गए हैं घर के पास। वो दोस्त को गाड़ी दी है कि जाके गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाए, तो वो उधर चला गया और मैं और भट्ट साहब इधर आ गए हैं। ओए उसकी फोन कर यार, चाबी दे ओदे कोल है, फटाफट फोन कर। सो और कोई नहीं? नहीं, कार कोई भी नहीं है, उसकी फोन कर। सो उसकी ना चाबी ले गया, चाबी ओदे कोल ही पई है, गाड़ी दे विच ही है, ओदे निकल जाए। ठीक है, चाबी के साथ ही लगी हुई थी घर के दरवाजे की चाबी, वो दोस्त गाड़ी लेके निकल गया। अभी उसको कॉल करने लगे हैं कि यार चाबी दे जा, अरे गाड़ी की चाबी दे ओए, ये चाबी पई है गाड़ी से, चाबी पकड़ ले। ज्यादा आगे तो नहीं निकलोगे, इधर अभी रोड क्रॉस की है। उन्हें क्या इधर आ जाना गड्डी लेके, चाबी असि कर लेंगे। अरे जी बाबा जी आ गए हैं, दो बाबा जी चाबी। मैं आया तो जेब च हाथ मारे थे, चाबी कोई नहीं, इंजे ला दे। हाँ वो बंद करके दे दे, हाँ 2 मिनट बस, दरवाजे ही खोलना। शुक्रिया। GTX वालों का ठीक है, ले लिया जी चाबी दोस्त से, अभी उसने साथ में से उतार दी है, तो अब जा रहे हैं। दरवाजे खोलो। हेलो जी खोलो, तो उसी चंगी क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा रिटायरमेंट। मैं आया हूँ जी ऊपर से लॉक उठाने के लिए, और लॉक शायद नीचे ही है, ड्रिल भी ही नीचे, लेकिन एक्सटेंशन चाहिए थी, एक्सटेंशन उठा लेते हैं। बाकी मशीन अभी थोड़ी देर में भाई लोग कह रहे थे कि आएंगे नमाज पढ़ के, तो फिर मशीन उनसे उठवाएंगे, फिर उधर सही कर देते हैं, तो ठीक है। देखेंगे आके पहले वो थली भैया देस उठी, अंदर ही पड़ी है मशीन। नहीं होना यार, लास्ट टाइम ही बिट टूट गई थी। प्लास में चेक कर रहा हूँ, प्लास ना निकले, एनु ला लूँ ना। हमारा काम हो गया शुक्र अल्लाह का, मशीन सेट हो चुकी है। इसके अंदर एक आती है वो मोटर, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, कैपेसिटर क्या बोलते हैं उसको, तो वो ही ख़राब था जो पानी बाहर फेंक दिया है। खैर मोटर का पंखा भी था इश्यू, वो है सॉल्व किया हुआ था मैंने, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का अब काम चल जाएगा हमारा। और अब मैं ज़रा दरवाज़ा लगाने लगा, दरवाजे भी पूरा हो, और दूसरा ये इसका बोर्ड लगाना है, इसका बोर्ड लगाऊंगा, और फिर दोस्त हैं तो उनके साथ भी चल के भी खाना वगैरह खाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह खेलने जाना है। काम वगैरह ख़त्म कर लिया मैंने, बस थोड़ा सा बाकी था, वो मशीन का पाइप वगैरह एडजस्ट करना था, मशीन के वो ऊपर वाला बोर्ड लगाना था वो लगाया, और अब जो है दोस्त गए हैं गाड़ी लेने के लिए, और
घर वाले भी आ गए हैं सामान लेके, तो अब सामान वगैरह उतारा है गाड़ी वगैरह से। तो अब बैठा हूँ, दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, हाथ धोते हैं और खेलने के लिए निकलते हैं। फिर अब हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये सामने शोरमा ऑर्डर किया हुआ है, शोरमा खाने लगे हैं। बिरयानी का बोला तो बोलते हैं जी टाइम नहीं है, और इनके दांत बड़े निकलते हैं जब भी मैं वीडियो बनाता, पता नहीं क्या है। ज़रा इधर बार्टर बूथी भी निकल बूथियाँ दो, करो, ज़रा इधर बार्टर भी निकल दो। मौसम चेक करें ज़रा, माशाल्लाह हल्की 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 बारिश हो रही है। हम जो पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और मैच शुरू हो चुका हुआ है और हमारी बैटिंग चल रही है, और अभी हमने गाड़ी में खाना खाया, खा के अब बैठे हुए इंतज़ार करते हैं हमारी बारी कब आती है जी। हमने मैच खेल लिया हुआ है, लेट हो गए आज, काफ़ी लेट से मैच ख़त्म हुआ है और अब निकलने लगे हैं घर के लिए जी। घर हम आ गए हैं और मम्मी ने आज बनाए हुए हैं बड़े मज़े मज़े की चीज़ें। घर में आए हुए हैं कज़न, उनकी फैमिली, भाभी लोग और बच्चे सब आए हुए हैं, और मम्मी बना रही हैं हमारी, ये देखे मजा, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी रसमलाई कोजे में डाली हुई है, और इधर जी पक रहा है हमारा, आई थिंक बिरयानी बना रही है मम्मी। हाय 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 छा गया जी। और ये इधर सालन भी बना हुआ है, सालन और बिरयानी साथ में, क्या ही बात है माशाल्लाह। मुझे लगी हुई थी भूख तो ब्रेड पड़ा हुआ देखा, तो मैं बोला जरा कुर्सी लगा ले ब्रेड वगैरह की, थोड़ी सी गुजारा हो जाएगा। तो है बड़ा मजा आएगा कसम से। ले जी आज एक नया सबक सीखने को मिला, ब्लॉगर्स के साथ एक और सीन भी होता है। अब मैंने सुबह जब वीडियो स्टार्ट की है, उसके बाद तकरीबन जब मैं बाहर निकला हूँ दोस्त को पिक करने जाने के लिए, तो उस टाइम मैंने वीडियो लगा दी थी अपलोड पे, एडिट करके मैंने अपलोड पे लगा दी सुबह की, और उसके बाद से मैंने चेक भी नहीं किया कि अपलोड, क्यों अमूमन यही होता है अपलोड कर दो तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड होके नोटिफिकेशन का आ जाता है। तो उसके बाद मैं बिज़ी इतना हो गया तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं चेक करूँ वीडियो, और ये देखें अब वीडियो सब अब भी जाके जो है ना वो 42% है। मैंने बाई चांस अभी चेक किया है, मैंने यूट्यूब ओपन किया है तो मैं आज के मैच के ना हाईलाइट देखने लगा था, तो जनाब जब मैंने देखा तो आगे वीडियो सब अपलोड होने पे प्रोसेस का ऑप्शन आ गया ऊपर यूट्यूब का। मैं बोला चल कोई नोटिफिकेशन आई होगी किसी वीडियो की, जब चेक किया तो ऊपर लिखा आ रहा था कि अपलोडिंग वन वीडियो, चेक करें ज़रा मेरे काम। ये भी आज सबक मिला कि ऐसा भी हो सकता है यूट्यूबर्स के साथ। जी हो चुका है हमारा खाना रेडी, और इधर चावल तैयार हो चुके हैं। ये हमारे ये हैं चावल, ये चावल तैयार हो चुके हैं, और ये खीरा और वो सब्जी वगैरह तैयार है, और ये है मेरा भतीजा, चलो ये बोतलें गिन रहा है बस, अपने नारे लगाए हुए इसने पता नहीं क्या, और ये मेरी बच्ची है, और ये जी माशाल्लाह चावल मज़ेदार, आलू मुर्गी पता नहीं क्या क्या अंदर है। खाना खा लिया हमने और अब हमारे पास आ चुकी है रसमलाई, ये खाएंगे। खाना भी खा लिया, रसमलाई भी खा ली, और अभी यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।